नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको गुजारा भत्ता से जुड़ी जानकारी देंगे, साथ में गुजारा भत्ता या मेंटेनेंस की समस्याओं का समाधान भी करेंगे। पति पत्नी के बीच मतभेद पैदा होने पर अक्सर महिलाओं को ज्यादा समस्याएं आती हैं और ये इसलिए होता है क्योंकि आर्थिक जरूरतों के लिए महिलाएं अमूमन अपने पुरुष साथी पर निर्भर होती हैं। तलाक की स्थिति में उन्हें आर्थिक तंगी से बचाने के लिए कानून में कई प्रावधान किए गए हैं। अगर महिला कमा भी रही है तो भी पति के साथ मतभेद पैदा होने पर उसे गुजारा भत्ता दिया जाएगा। ये नियम इसलिए बनाया गया है ताकि वो सम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर सके। पत्नी की नौकरी न करने पर कोर्ट महिला की उम्र, शैक्षिक योग्यता देखते हुए गुजारा भत्ता तय करता है। गुजारे भत्ते में बच्चे का खर्च शामिल नहीं है, उसकी देखरेख के लिए पिता को अलग से पैसे देने पड़ते हैं। अगर महिला भी कमा रही है तो उसे भी अपनी कमाई का हिस्सा बच्चे की देखरेख के लिए निकालना पड़ता है। तो ये तो थी कुछ बुनियादी जानकारी। विस्तार से ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता नवीन पांडे जी। नवीन जी आपको गुजारा भत्ता या मेंटेनेंस जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। नवीन जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपका कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं, फोन लाइंस खुल चुकी हैं। एक बार विषय की जानकारी आपको फिर से दे देते हैं। गुजारा भत्ता से जुड़ी कानूनी जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, कानूनी सहायता ले सकते हैं। हमारे कानूनी विशेषज्ञ से जुड़ने के लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर्स पर आप कॉल कीजिए और अपनी कानूनी समस्याओं का, इस विषय से जुड़े हुए जो भी आपकी परेशानियां हैं उसे आप दूर कर सकते हैं। नंबर्स हैं 01206127937, 01206127938। इन दो नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और गुजारा भत्ता से जुड़ी कानूनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं और सबसे पहले नवीन पांडे जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि गुजारा भत्ता या मेंटेनेंस होता क्या है। जी वक्ता जी, गुजारा भत्ता ये वो भत्ता है जो पति या पत्नी किसी भी तरह के पारिवारिक विवाद की स्थिति में पति या पत्नी अपने जीवन साथी को ये भत्ता प्रदान करते हैं। जी, इसका उद्देश्य है इस बात को सुनिश्चित करना कि पारिवारिक विवाद या विच्छेद के कारण कोई भी स्पाउस या कोई भी जो पार्टनर है वैवाहिक जीवन में, उसकी जीवन शैली बिल्कुल वैसी ही बरकरार रहे जैसा कि वे साथ साथ रहते हुए जीवन शैली को मेंटेन कर रहे थे। कोई गिरावट नहीं आनी चाहिए, है ना। खास करके ये तब जरूरी हो जाता है यदि विवाह को कुछ समय गुजर चुका है और दोनों की कमाई के बीच में जो दोनों की क्षमता है धनोपार्जन करने की, उसमें बहुत बड़ी विसंगति है। तो ऐसी स्थिति में दोनों की जो जीवन शैली है, शादीशुदा जीवन में जिस तरह का वे जी रहे थे वैसा ही विवाद की स्थिति में भी वे जी सकें और किसी को भी आर्थिक तौर पर किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े, इस उद्देश्य से गुजारा भत्ता का प्रावधान हमारे कानूनों में किया गया है। जी, इसको हम जीवन साथी के समर्थन या भरण पोषण के लिए दिया जाने वाला भत्ता भी कह सकते हैं। और विभिन्न कानूनों में इसके लिए प्रावधान किए गए हैं, है ना, जैसे कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत भी प्रावधान है। इसके अलावा विशेष विवाह अधिनियम में भी मेंटेनेंस का प्रावधान है। हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में प्रावधान है। इसके अलावा आपके क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में और जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है, इसके तहत भी मेंटेनेंस या गुजारा भत्ता का प्रावधान किया गया है। जी बिल्कुल नवीन जी। नवीन जी, किन हालातों में महिला को गुजारा भत्ता मिलता है ये भी समझना चाहेंगे। जी वक्ता जी, किसी भी महिला को यदि मेंटेनेंस प्राप्त करना है तो उसके लिए कुछ परिस्थितियां भी उल्लेखित की गई हैं कानून के अंदर। जी जो परिस्थितियां हैं वो कुछ ऐसी हैं, मान लेते हैं किसी
पति ने गंभीर क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया है पत्नी के साथ में, या पति ने त्याग दिया हो पत्नी को, या फिर किसी भी विवाद की वजह से वे साथ साथ हो सकता है एक घर में रह रहे हैं पर पति पत्नी की तरह नहीं रह रहे हैं, या पति ने एक पत्नी के रहते हुए दूसरी औरत से विवाह कर लिया हो जी, या पति ने बिना पत्नी के सहमति के धर्म परिवर्तन कर लिया हो, क्योंकि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देता है कि धर्म परिवर्तन के बाद में वे दोनों पति पत्नी रह जाने योग्य नहीं रह जाते, है ना। तो ये भी एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर डिवोर्स के लिए भी जा सकते हैं, सेपरेशन के लिए भी जा सकते हैं। तो इस वजह से धर्म परिवर्तन इस स्थिति में भी मेंटेनेंस के लिए वाइफ जो है वो एंटाइटल्ड हो जाती है। और भी काफी सारी परिस्थितियां हैं, जैसे कि मान लेते हैं आपसी मतभेद की वजह से दोनों अलग अलग रह रहे हो, या कोर्ट में दोनों ने अर्जी दायर की हो सेपरेशन के लिए, हाँ। और कोर्ट द्वारा उनको आदेश दिया गया हो कि वे अलग अलग रहें, है ना। तो ये सारी परिस्थितियां हैं। उसके साथ साथ यदि पति जानबूझकर घर खर्च के लिए या पत्नी के निजी खर्चों के लिए, है ना, जो बेसिक बुनियादी जरूरतें होती हैं उनके लिए भी खर्च ना दे रहा हो, तो इन सब परिस्थितियों में पत्नी जो है वो गुजारा भत्ता के लिए आवेदन कर सकती है। जी बिल्कुल। नवीन जी, अगर महिला कमा रही है तो भी क्या पति के साथ मतभेद पैदा हो गए हैं उसके बाद भी गुजारा भत्ता दिया जाएगा? जी, ये बहुत ही रोचक सवाल है आपका। कुछ हद तक इसका जवाब हमारे पहले सवाल के जवाब में भी आया था जी, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बताया कि जब पति पत्नी दोनों में जो धन उपार्जन की जो क्षमता है उसमें बहुत बड़ी विसंगति है ना, तो यही प्रिंसिपल लागू होता है जब हम बात करते हैं कि यदि महिला रोजगार कर रही है, धनोपार्जन कर रही है, तो भी क्या वो मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल्ड है? हाँ। तो बिल्कुल, क्योंकि हो सकता है कि पत्नी जो धनोपार्जन कर रही है वो पति के मुकाबले बहुत ही कम हो। जी, देखिए केवल शिक्षित होना या धनोपार्जन करने में सक्षम होना काफी नहीं है जी। विवाह उपरांत जब एक पत्नी अपने पति के साथ रह रही होती है उसके घर में, है ना, और पति उस पत्नी के खर्चे उठा रहा होता है जी। तो जाहिर सी बात है, यदि पति की आमदनी यदि बहुत ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कि उसकी जो लाइफस्टाइल होगी वो काफी मतलब विलासिता पूर्ण हो सकती है जी। अब मान लेते हैं कि इस तरह के दंपति का यदि विवाह विच्छेद होता है या किसी तरह के वैवाहिक विवाह के अंदर वैचारिक मतभेद उत्पन्न होते हैं और फिर पत्नी को छोड़ दिया जाता है बिना किसी खर्चे के, तो एक तरफ हमें ये देखने को मिलेगा कि पति जो है वो विलासितापूर्ण जिंदगी जी रहा है, जबकि पत्नी की स्थिति ऐसी हो जाती है कि उसके जो लिमिटेड इनकम है वो बमुश्किल अपना गुजारा कर पा रही है जी। तो इस तरह की विसंगति न रहे, है ना, और इसके वजह से पत्नी को आर्थिक रूप से जो है परेशानियां ना उठाना पड़े, तो इसमें हमारे अदालतों ने कई सारे जजमेंट्स में ये चीज जो है स्पष्ट किया है कि यदि पत्नी धनोपार्जन कर भी रही है, कमा भी रही है, तो भी वह गुजारा भत्ता प्राप्त करने की हकदार होती है जी। बिल्कुल नवीन जी, गुजारे भत्ते में ये भी जानना चाहेंगे हम कि जो बच्चे का खर्च होता है वो भी शामिल होता है या नहीं, या फिर बच्चे के लिए अलग से भत्ता दिया जाता है? जी देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जहां पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। गुजारा भत्ता प्राप्त करना दोनों का अधिकार है, पत्नी का भी है और बच्चों का भी है जी। लेकिन कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यदि पत्नी ने गुजारा भत्ता के लिए आवेदन लगा दिया और उसके लिए यदि गुजारा भत्ता अदालत द्वारा निर्धारित कर दी गई तो बच्चा भी उसमें शामिल है, परंतु ऐसा नहीं है। परिवार के अंदर जितने भी आश्रित हैं जिनको गुजारा भत्ता की आवश्यकता है, जैसे कि पत्नी है, पत्नी के बाद
वृद्ध माता पिता भी हो सकते हैं, इसके अलावा बच्चे भी हैं। हम अपनी चर्चा को लिमिट करते हैं पत्नी और बच्चों पे। जी तो पत्नी और बच्चे, जितने भी नाबालिग बच्चे हैं या लड़कियों के मामले में, यदि नाबालिग के साथ साथ यदि नाबालिग नहीं भी है परंतु अविवाहित बच्ची है जी, तो उसका भी हक बनता है गुजारा भत्ता प्राप्त करने का। लेकिन आपको हर किसी के लिए अलग से मेंटेनेंस के लिए आवेदन लगाना होगा। बेशक आप आवेदन एक ही लगाएं, पर पार्टी जो है पत्नी भी बनेगी क्लेमेंट, साथ में बच्चे भी बनेंगे, और इन सबके लिए अलग अलग गुजारा भत्ता निर्धारित किया जाएगा अदालत के द्वारा। जी यदि आपने पार्टी नहीं बनाया, सिर्फ पत्नी ने ही आवेदन किया है, तो ऐसी स्थिति में जो गुजारा भत्ता निर्धारित किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ पत्नी के लिए होता है, उसमें बच्चे शामिल नहीं होते। बच्चों के लिए आवेदन आपको अलग से करना होगा। बिल्कुल नवीन पांडे जी, नवीन पांडे जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या पति को भी गुजारा भत्ता मिल सकता है, और अगर हाँ तो उनके हालात और वो परिस्थितियां क्या होंगी? एक बार फिर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा आपका, जो हमारा पहला प्रश्न था मेंटेनेंस क्या है। देखिए इस बात को लेकर के भी बहुत बड़ी कंफ्यूजन है लोगों के बीच में। लोग ये समझते हैं मेंटेनेंस मतलब सिर्फ पत्नी क्लेम कर सकती है, परंतु ऐसा नहीं है। यदि हम किसी अन्य कानून जैसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 की बात करें या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की बात करें, तो हाँ वहां पर सिर्फ पत्नी क्लेम कर सकती है। लेकिन यदि हम सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट की बात करें, तो सेक्शन 24 में प्रावधान किया गया है कि पत्नी मतलब जिस प्रकार से पत्नी अपने पति से गुजारा भत्ता प्राप्त करने की हकदार है, ठीक उसी प्रकार से पति भी अपनी पत्नी से गुजारा भत्ता प्राप्त कर सकता है। कंडीशन वही है, मान लेते हैं पत्नी की आमदनी कहीं ज्यादा है पति से जी, और विवाह विच्छेद या विवाद के अंतर्गत पति की जो धनोपार्जन की क्षमता है वो पत्नी की तुलना में बहुत ही कम है, यानी कि बहुत बड़ी विसंगति है, तो वापस से पति को भी वो अधिकार है कि वह भी बिल्कुल वैसी ही जीवन शैली जिए जैसा कि वह विवाह के दौरान एक साथ रहते हुए जी रहा था जी। तो इसमें सेक्शन 24 में प्रावधान है कि पति भी अपनी पत्नी से गुजारा भत्ता प्राप्त कर सकता है। अब इसके लिए कुछ शर्तें हैं, है ना, शर्तें ये है कि या तो पति बिल्कुल भी सक्षम ना हो धनोपार्जन करने में, या फिर यदि धनोपार्जन कर पा रहा है तो उसकी जो क्षमता है अपनी पत्नी के मुकाबले में बहुत ही कम है। कई बार ऐसा भी होता है कि पति जो है जानबूझ के केवल पत्नी को परेशान करने के लिए काम धंधा छोड़ के बैठ जाते हैं और सेक्शन 24 के तहत आवेदन कर देते हैं, तो ऐसे लोगों को मैं आगाह करना चाहूंगा कि ये आप गलत करते हैं, इस स्थिति में आप हकदार नहीं होते, क्योंकि जानबूझ के यदि आप धनोपार्जन नहीं कर रहे हैं तो आप इस कानून का दुरुपयोग नहीं कर सकते। वास्तव में जेन्युइनली आपके अंदर वो क्षमता नहीं है, बहुत बड़ी विसंगति है, तो आप कर सकते हैं। बिल्कुल देखिए ये सवाल भी एक ऐसा सवाल है जो अभी तक हम एक्सपीरियंस से देखते आ रहे हैं कि बहुत जगह कंफ्यूजन है इस सवाल को लेकर के। जी यदि सीमा की बात करें तो पहले एक समय था जब सीआरपीसी के सेक्शन 125 में 500 रुपए की सीमा जो है वह निर्धारित थी जी। इसके बाद में कुछ राज्यों ने अमेंडमेंट किए, कहीं पर 1000 रुपए की सीमा लाई गई, कहीं पर 5000 की लाई गई, किन्हीं किन्हीं राज्यों में 1500, 2000, 3000, इस तरह से अलग अलग सीमा निर्धारित की गई थी। ठीक है, लेकिन सन 2001 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट जो लाया गया, एक्ट नंबर 50 ऑफ 2001 जी, उस अमेंडमेंट के तहत जो ये 500 रुपए की सीमा थी इसको खत्म कर दिया गया था भारतीय पार्लियामेंट द्वारा। इसके बावजूद भी कुछ राज्य ऐसे थे जिन्होंने जो अपने स्तर पर जो लिमिट्स लगा रखी थी उनको जारी रखा, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था। बट फाइनली 2011 के आसपास ज्यादातर स्टेट ने भी इस लिमिट को खत्म कर दिया है, है ना, और यदि किसी राज्य में किसी प्रकार की लिमिट भी है तो
जैसा कि हम जानते हैं कि जब सेंट्रल लॉ और स्टेट लॉ में कंफ्लिक्ट होता है तो सेंट्रल लॉ वहां पर मान्य होता है, स्टेट लॉ को नहीं मान्यता दी जाती जी। तो क्योंकि सेंट्रल लॉ के अंदर जो लिमिट थी उसको समाप्त कर दिया गया है, तो हम ये कह सकते हैं कि मेंटेनेंस के लिए कोई लिमिट फिक्स नहीं है जी, है ना। वो इसके लिए बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनको देखा जाता है, जैसे पक्षों की पक्षों का जो सामाजिक स्टेटस है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया, इन सब चीजों को देखते हुए मेंटेनेंस का अमाउंट डिसाइड किया जाता है जी। बिल्कुल लिमिट नहीं। बिल्कुल बिल्कुल नवीन जी। नवीन जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन मेंटेनेंस रजनीश वर्सेस नेहा क्या था, ये जानना चाहेंगे जी। देखिए रजनीश वर्सेस नेहा का जो जजमेंट था ये बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है, क्योंकि इससे पहले हम ये देखते थे कि अलग अलग अदालतों में बहुत तरह के रसकंडे अपनाए जाते थे जी, पत्नियों द्वारा भी और पतियों द्वारा भी, झूठ पे झूठ जो है बोला जाता था, तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते थे, जहां एक और पति अपनी आय को छिपाने की कोशिश करता था जी, वही पत्नी जो है उस आय को हद से ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके बताती थी। तो जाहिर सी बात है कि जो क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस है यानी कि गुजारा भत्ता की जो धनराशि है जी, ना वो सही तरीके से निर्धारित नहीं हो पा रही थी जी। तो रजनीश वर्ष नेहा में हाँ एक और समस्या थी कि मेंटेनेंस के लिए जो प्रावधान है वह अलग अलग कानून में किया गया है, तो कई बार यह हथकंडा भी अपनाए जाते थे कि किसी अलग कानून के तहत यदि पत्नी ने मेंटेनेंस फाइल कर रखा है तो किसी दूसरे कानून में नहीं मिलना चाहिए। वही पत्नी की तरफ से इस तरह की दलीलें दी जाती थी कि क्योंकि प्रावधान अलग अलग कानून में है तो हर कानून के तहत उसको मेंटेनेंस मिलना चाहिए जी। तो इन सब चीजों को क्लियर करने के लिए रजनीश वर्सेस नेहा का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसमें कुछ गाइडलाइन सेट किए गए। सबसे पहला जी कि यदि ओवरलैपिंग ज्यूरिसडिक्शन है यानी कि अलग अलग कानून में यदि प्रावधान है मेंटेनेंस के लिए तो उनमें से किसी एक में भी पत्नी जो है मेंटेनेंस के लिए आवेदन डाल सकती है, और मेंटेनेंस जो है वो किसी एक कानून के तहत दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि हर कानून के तहत अलग अलग दिया जाएगा, और अगर दिया भी जाता है तो किसी और कानून के तहत किसी और आवेदन में यदि कोई मेंटेनेंस निर्धारित किया गया है तो उसको ध्यान में रखते हुए यदि वह अदालत को लगता है कि जो गुजारा भत्ता तय किया गया है वो कम है तो उतनी राशि को एडजस्ट करते हुए एडिशनल मेंटेनेंस दूसरी अदालत निर्धारित कर सकती है। सबसे पहला तो ये था। दूसरा जो गाइडलाइन था वो ये था कि अंतरिम गुजारा भत्ता जो है उसका भुगतान किया जाए, है ना, इसके लिए भी दिशा निर्देश बनाए गए। क्योंकि देखिए ज्यादातर स्थिति में क्या होता है कि जहां पत्नियां रोजगार नहीं करती, उनकी कोई कमाई नहीं रहती और उन्हें यह मुकदमा लड़ना होता है पारिवारिक विवाद से संबंधित, तलाक का मामला हो गया या कोई भी एक्सपर्ट जज मामला जो भी संबंधित है उसके लिए भी खर्चे तो ये होते हैं जी। अब यदि कोई भत्ता नहीं दिया जाता है तो पत्नियां इस स्थिति में नहीं होती कि वे वकीलों के खर्चे उठा सके या न्याय प्राप्त कर सके, तो इसलिए अंतरिम मुआवजे का प्रावधान किया गया ताकि वे अपना गुजारा भी कर सके और जो कानूनी व्यय है उसका भी वहन कर सके। तीसरा क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस कितनी दी जाए इसके लिए भी दिशा निर्देश लाए गए। अब इसमें ये कहा गया कि पति और पत्नी दोनों की आयु और उनके रोजगार की स्थिति को भी ध्यान में रखना होगा गुजारे भत्ते की राशि को निर्धारित करने में, साथ में पत्नी की आय कितनी है उसको भी देखना होगा। 18 वर्ष से यदि कम उम्र के बच्चे हैं तो उनके भरण पोषण का भी दोनों के ऊपर जिम्मेदारी तय की जाएगी, पत्नी के ऊपर भी पति के ऊपर भी यदि पत्नी भी रोजगार में है तो जी। उसके अलावा पति या पत्नी या बच्चे की यदि गंभीर विकलांगता है या वे खराब स्वास्थ्य से
पीड़ित है, तो इन बातों का भी ध्यान रखना आवश्यक है। चौथा जो गाइडलाइन था वो इस चीज को लेकर के था कि गुजारा भत्ता किस तिथि से देय होगा, तो इस पे क्लैरिटी लाई गई कि जिस दिन आवेदन किया जाता है जी पत्नी द्वारा या बच्चों द्वारा, तो आवेदन की तारीख से गुजारा भत्ता देय होगा। और पांचवा जो गाइडलाइन था वो ये था कि गुजारा भत्ता यदि निर्धारित कर दिया गया, आदेश पारित कर दिया गया, उसके बाद भी यदि पति जो है उस राशि का भुगतान नहीं कर रहे, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, आदेशों को लागू कैसे किया जाए जी, तो एग्जीक्यूशन के प्रोविजन उसको और स्ट्रिक्ट किया गया। जैसे कि यदि आदेश पारित होने के बाद भी मेंटेनेंस नहीं देता है कोई पर, तो उस व्यक्ति को अदालत की अवमानना के लिए भी सजा का प्रावधान किया गया है। जी बिल्कुल नवीन पांडे जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी इससे जुड़ी हुई हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए और हमारे साथ था इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।